Assalamu alaikum everyone, I'm Raja Saroj Sohaib and welcome to another episode of Life at City 2. Is waqt hum maujood hain Rawal Pindi mein jahan pe hum ek bahut hi zabardast guest ka interview karne aaye hain. Jab Battles of Band jo Pepsi ka ek show hai wo usne comeback kiya tha 2017 ke andar, to jo ek bahut hi zabardast cheez ye hui thi ki bahut sare naye bands jo hain wo samne nazar aaye aur unme se ek ye band hai jisko kehte hain Pindi Boys. बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है और पिछले कुछ सालों में इसने काफ़ी सक्सेस हासिल की है. उनके लीडिंग वोकलिस्ट जासिम हैदर से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके करियर के बारे में और पिंडी बॉयज़ के फ्यूचर और अभी जो उनकी करियर के अंदर चल रहा है उनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में. सो स्टिक अलॉन्ग, लेट्स गो एंड टॉक टू द लीडिंग वोकलिस्ट. कैसे आप जासिम भाई? ठीक है आप? हम लोग अंदर चलते हैं, वहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं बिकॉज देयर इज सो मच टू टॉक टू यू अबाउट एंड स्पेशली अबाउट द करियर दैट यू हैड. इट्स एन ऑनर टू बी हियर. Alright, so thank you so much for joining me, Jasim Haider Saab. It's a pleasure to be here. सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके करियर के बारे में. तो यू आर द लीडिंग वोकलिस्ट ऑफ Pindi Boys. आई वॉन्ट टू नो ये नाम आपके पास कैसे आया, वट इनिशियली आपने क्या डिसाइड किया था, वॉज देर अ प्रोसेस जहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे थे एंड देन फाइनली हाउ डिड यू कम टू Pindi Boys? यार नेचुरल प्रोग्रेशन थी सारी चीज़ों की. मैं Pindi में, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन Pindi. But for 10 years we were in Karachi. When I came back to Pindi Islamabad, I felt के ये जो term है Pindi Boys की, ये उस time तो नहीं थी और अब आहिस्ता आहिस्ता grow कर रही है और ये एक ऐसा stigma बन गया है, एक stereotype बन गई है जो कि बड़ी negative सी है. तो आपके दिमाग में था that you want to break this stereotype? यार of course पहले शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई ना. इवन कराची में भी जब उनने मुझे Pindi Boy कहना शुरू किया तो मैं कंफ्यूज था कि यार अच्छा ये चीज़ भी होती है, हम तो रहे हैं Pindi में, ऐसा तो नहीं होता. लेकिन जब मैं इधर आया हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हुआ कि ये तो बहुत गलत चीज़ है. अपने दोस्तों को देख रहा हूँ वो अपने नेगेटिव कनोटेशन अटैच, एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, अपने आप को Pindi का नहीं बता रहे. और मैं खुल के बताता था कि मैं इन्जॉय करता था इसको, बट एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग चेंज हो गया यार, ये एक नेगेटिव चीज़ है और ये यू हमारी जो यूथ है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है. तो मैंने कहा क्यों ना इसको, फिर जब मैंने कहा चेंज करें इसको और ये थॉट चली गई एंड देन इट केम बैक एज अ सॉन्ग. सो व्हेन आई मेड दैट सॉन्ग, दोस्त कह रहे थे यार मतलब तू म्यूज़िक में नाम पैदा करना चाह रहा है एंड इस गाने के साथ तो इट्स अ सुसाइड. और वो कौन सा गाना था एग्जैक्टली? हमें Pindi Boys. अच्छा, ठीक है. तो ये बैंड से काफ़ी पहले की बात है, एज अ सिंगल मैन रिलीज़ किया, पीपल वर सेइंग के यू नो इट्स अ सुसाइड, इट्स टू बिग ऑफ अ टर्म फॉर यू टू चेंज. ठीक है, बट मैंने कहा यार है तो है, लेट्स डू इट. मैंने गाना कर दिया, इट वेंट वायरल, पीपल वेंट क्रेजी, दुनिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और बड़ा सीन ऑन हो गया Pindi Boys का. एंड टू ईयर्स लेटर हमने जब लाइव परफॉर्मेंसेज यहाँ पर शुरू की कैफेज़ वगैरह में, देन बैंड हमने फॉर्म किया. ऐसे ही बजाते बजाते वो सारे दोस्त थे, ड्रमर जो है वो मेरा छोटा भाई ईमान है, अदील पुराना दोस्त है, मोहसिन भी यहीं पे रहता है. पर आपको कैसे ख्याल आया कि इनको मैं मिलाकर एक बैंड बना सकूं? यार हम जैम तो करते ही थे. अच्छा, वीकेंड्स पे हम जैम कर रहे हैं. सो यू ऑल वर ऑलरेडी इंक्लाइंड टू म्यूजिक? बिल्कुल, ठीक है. सो आहिस्ता आहिस्ता हमें कैफे से कॉल आने लग गई, कहीं ओपनिंग हो रही है तो हमें बुला लेते थे कि Pindi Boys. आहिस्ता आहिस्ता हमें Pindi Boys लोगों ने कहना शुरू कर दिया. तो हमने कहा यार अब आई थिंक नाम रखना चाहिए बैंड का, अब एज अ बैंड जा रहे हैं. हमने कहा और इससे अच्छा नाम ही क्या होगा कि हम Pindi Boys रखें. तो जासिम हैदर इन द Pindi Boys हमने नाम सोचा. सो फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, इट्स अ हिस्ट्री इन द पास्ट जिसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि यू गाइस हैव लिटरली रेवोल्यूशनाइज दिस टर्म नाउ. क्योंकि आपका जब बैंड फॉर्म हुआ था 2017 के अंदर, यू वेंट टू दिस बिगेस्ट कॉम्पिटिशन जो कि नेशनल टेलीविजन पर हर जगह
देखा जाता था और आपका इस नाम को यूज़ करना काफ़ी यूजफुल साबित हुआ इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए. आई वॉन्ट टू नो पर्सनली कि आप पर्सनल जिंदगी में कितने एक्टिविस्ट हैं इस तरीके से, और आपकी म्यूज़िक में वो किस तरीके से ट्रांसलेट होता है. क्या आप डिलिब्रेटली कोशिश करते हैं कि आपकी म्यूज़िक के अंदर ऐसे सोशल मैसेजेस को इनकॉर्पोरेट किया जाए? बिल्कुल होता है. मैं एज अ सॉन्ग राइटर आई ऑलवेज टेंड टू राइट व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक अबाउट. जितने गाने मैंने अभी तक निकाले हैं, आई थिंक हार्डली कोई ऐसा गाना होगा जो रोमांटिक होगा. आई मीन आई एम अ रोमांटिक पर्सन, बट जितने गाने भी मैंने निकाले हैं वो कोई ना कोई उसके अंदर थॉट है. रिसेंटली एक सॉन्ग हमारा है जो कि सोशल मीडिया के अगेंस्ट है, और जो डिजिटल दुनिया हमने बना दी है उसकी एक थॉट है. सो व्हाट इज दैट अबाउट? आप किस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं उस गाने के? लाइक आई थिंक हमने अपने आप को चार दीवार में बंद कर दिया है. हम रियल दुनिया से बहुत दूर हो गए हैं, यू नो, फूलों से, सुबह से, इंडोर्स, यू नो, अब नया जो दौर है वो ज़्यादा इंडोर्स हो गया. सो एक इस तरह की एक सोच है उसके अंदर. उसके बेसिकली उसके अंदर एक कैरेक्टर, उसकी कहानी मैंने बताई हुई, तो हाउ ही इवॉल्व्स एज अ पर्सन बीइंग ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया फनेटिक है वो, इस तरह से. जासिम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आप काफ़ी अरसे से म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं. पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेजेस रहे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए. एक टाइम जब बहुत सक्सेस, फिर उसके बाद डिक्लाइन, फिर उसके बाद फिर से रिवाइव होनी शुरू हुई. इस वक्त आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं? यार, आई थिंक वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. म्यूज़िक इंडस्ट्री ने जितना बुरा टाइम देखना था वो देख लिया. फ्रॉम 2006 टू 2015-16 बिल्कुल. इवन कोक स्टूडियो आया, ठीक है, म्यूज़िक हमारा हो रहा था, बट टीवी पे हो रहा था. बम धमाके हो रहे थे, सुसाइड, हमारे हालात बहुत ख़राब थे, कॉन्सर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. सो उससे कोक स्टूडियो ने जहाँ पे चीज़ें अच्छी की वहाँ पे आई थिंक एक प्रॉब्लम ये होगा कि म्यूज़िक फ्री हो गया एंड कॉन्सर्ट्स ख़त्म हो गए, लोगों की इंस्पिरेशन लोगों की चेंज हो गई. सो सूफी म्यूज़िक ने टेक ओवर कर लिया, इस दौरान बॉलीवुड म्यूज़िक ने टेक ओवर कर लिया. तो आई थिंक हमने बहुत बुरा टाइम जो है ना वो म्यूज़िक इंडस्ट्री ने देख लिया है. और अब आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है? यार, काफ़ी बेहतर है. जो नया मॉडल दुनिया का म्यूज़िक का इवॉल्व हो रहा है, आई थिंक पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री तो नहीं है, बट पाकिस्तान म्यूज़िक सीन जो है वो काफ़ी इन ट्यून हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता उस नए मॉडल के साथ, जो दुनिया जैसे जैसे डिजिटलाइज हो रही है, म्यूज़िक सीन भी हमारा डिजिटलाइज हो रहा है. और हम इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, यू हैव योर ओन म्यूज़िक सिस्टम का, मतलब यू हैव अ कंप्यूटर जहाँ पे आप अपना सारा इंडिपेंडेंटली खुद गाने प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा आप अपनी वीडियोस भी प्रॉब्ली खुद डायरेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं. तो हाउ मच डू यू थिंक कि इस ज़माने में, विच इज़ अ डिजिटलाइज वर्ल्ड, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो हमारे पास ईजिली एक्सेसिबल है, हाउ डू यू सी दिस टाइम इन द वर्ल्ड, और इसके अलावा इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं? वैसे सिर्फ हम म्यूज़िक और वीडियोस ही नहीं, बल्कि आप अपने आप को मैनेज भी खुद कर रहे होते हैं, आप एज अ लॉयर भी खुद देख रहे होते हैं, सब चीज़ें आप खुद कर रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके बैकग्राउंड में. बट नया दौर जो है, इट इज़ पहले मैं सोचता था कि ये आई थिंक पुराना दौर ज़्यादा बेहतर था, बट मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की और आपको पता है 2000 जो ईयर 2000 था, उस ईयर में CD सेल्स दुनिया में सबसे टॉप पे थी, और सबसे बिकने वाली CD लिंकिन पार्क की वो एल्बम थी इन द एंड. उसके बाद CDs का डाउनफॉल आया, और उस ज़माने में जो रेकॉर्ड लेबल्स होती थी उनने आर्टिस्ट को बड़ा मिसयूज़ किया. बिल्कुल. और पैसे बहुत सारे इंटरनेशनल इस तरह के केसेस हमारे सामने. एग्जैक्टली. जो बड़े आर्टिस्ट थे वो बैंकक्रप्ट में मरे. सो अब का दौर जो है, अब आर्टिस्ट जो है उनको समझ आ गई है कि हमारा ब्रांड है, हमने अपने आप को कैसे चलाना है और पैसे कैसे कमाने हैं इस चीज़ के साथ. तो आई थिंक अब काफ़ी लोगों को समझ भी आ गई है और बेहतर भी है, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं. ये दौर पिछले दौर से बहुत बेहतर है. तो जो आपका म्यूज़िक है, क्या आप सारा उसको खुद ओन करते हैं या अभी किसी रिकॉर्ड लेबल के साथ एफिलिएटेड रहे हैं? रिकॉर्ड लेबल का जो सीन है वो तो अब ख़त्म हो गया है, दुनिया में भी अब उस तरह से नहीं है. बट ये अब मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि जितना भी कॉन्टेंट हम सोशल मीडिया पर डालते हैं वो कंटेंट कहने को हमारा अपना है, बट वो जिस प्लेटफॉर्म पे हम डाल रहे हैं वो कंटेंट बेसिकली उनका है. बेसिकली वो हमारा कंटेंट को बेच के पैसे कमा रहे हैं. बट हाँ, यस, इस तरह से कह सकते हैं कि कंटेंट हम मोनेटाइज कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं उससे. सो व्हाट्स द वे टू अर्न मनी फ्रॉम म्यूजिक इन पाकिस्तान राइट नाउ? एक तो ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स के थ्रू आप लोग कर सकते हैं,
perform karke different areas ke andar uske alawa aapki jab album release hoti hai different streaming sites pe kar sakte hain iske alawa what are the other ways yaar music industry music musician kamata hai apne brand se musician kamata hai apne merchandise se aur merchandise aap bechte hain aap basically aap apna brand sell karte hain it's not about the music it's about your brand jaise Ali Zafar hai you know he's a brand Misha Shafi hai she's a brand aapko jo aapke listeners hain wo aapke aur aapke brand ki wajah se aapko paise dete hain aur aapko sunte hain so it's music, about building a brand is that building what you're yes yeah. you are the brand right. in this case so bahar bhi jitne musicians hain wo is tarah hi kama rahe hain ki wo apne aap ko as a brand bana ke apni merchandise sell kar rahe hain so हाँ और मोनेटाइज कर रहे हैं अपनी वीडियोस यही तरीका है इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है अगर रिकॉर्ड लेबल के पास जाते भी हैं तो वो इतनी उसके अंदर माइन्यूट चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसमें पैसे नहीं कमा सकते वो रिकॉर्ड लेबल तो उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो पैसे कमा रहे हैं बट इवेंचुअली आर्टिस्ट जो है वो पैसे नहीं कमा पा सकते और आपके ख्याल में जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ जो है वो मेरे ख्याल से एक ऐसा टॉपिक है जो फाइनली पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है और मेरे ख्याल से आर्टिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसके साथ डील भी करते हैं बहुत सारे इश्यूज़ उनके सामने आते हैं बट दे हैव टू सॉर्ट ऑफ पुट इट यू नो पुश इट अंडर द कारपेट क्योंकि उन्हें पब्लिकली फ्लुएंशियल दिखाना होता है और इसके अलावा अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी रखनी होती है कि उनका ब्रांड जो है वो बरकरार रहे तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कितना बर्डन होता है एक आर्टिस्ट पे मेंटली यार बहुत बर्डन होता है मतलब मैं अभी घर कल मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे आ रहे हैं मेरी सक्सेस स्टोरी इंटरव्यू लेने के लिए तो घर में जो आपका सीन होता है वो बिल्कुल ही मतलब घर में तो आपको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया होता है ना सबने कि तो पता नहीं क्या करता है म्यूज़िक बजाता है नौकरी नहीं करता बच्चा जी 9 to 5 और जाना ही नहीं सुबह उठता ही नहीं जी अब उनको नहीं पता कि जी रात में बैठ के हम काम कर रहे हैं हम पैसे कमा रहे हैं बट क्योंकि वो देख नहीं रहे कि पैसे आ रहे हैं तो उनको रियलाइज नहीं होता कि बच्चा हमारा पता नहीं क्या कर रहा है एक रूटीन में नहीं है पर मतलब आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इवन इन पाकिस्तान डू यू एग्री विद दैट कि आप एक काम करते हैं और आप उतना कमा लेते हैं जितना लोग महीनों में नहीं कर पाते ऐसा ही है बट नेगेटिविटी की जो बात है ना वो पाकिस्तान में वाकई बहुत ज़्यादा है और इस कुछ अर्से में मुझे रियलाइज़ भी हुआ है कि आई थिंक हम लोग एज अ नेशन हम वर्ड्स को ना हम सेंसिटिव नहीं है वर्ड्स के मामले में हम कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी होती और आपको पाकिस्तान में आर्टिस्ट को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है और उसको एक शील्ड बनानी पड़ती है यू नीड टू बी थिक स्किन टू यू नो टू ओवरकम दैट एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 9 to 5 नौकरी करें क्योंकि उनको जब तक पैसे नज़र नहीं आते तब तक आपकी इज्जत नहीं की जाती हाउ डू यू डील विद आवर सोसाइटल प्रेशर्स आप अपनी ज़िंदगी में कैसे फॉलो करते हैं अपनी बिकॉज यूर एन एग्जाम्पल जो कि अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं बट लाइक समटाइम्स ऑब्वियसली आई एम श्योर आपके ऊपर भी प्रेशर्स आते होंगे तो आप इनको इनके साथ कैसे डील करते हैं यार बस मैं अपने आप को एक शेल में बंद कर लेता हूँ और मैं काम करता हूँ मैं फोकस कर लूँगा क्योंकि मैं सोशल मीडिया हम चीज़ें कंटेंट भी बना रहे हैं हम गाने भी बना रहे हैं हम 4-5 प्रोजेक्ट्स अभी खुले हुए हैं तो मैं अपने आप को फोकस कर लेता हूँ कि मैंने काम पे फोकस करूँ कि जैसे ही आप इन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं ना आपको ऐसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट भी जाते हैं आपको गुस्सा भी चढ़ता है आपको डार्क नजर आने लग जाता है कई ऐसे दिन आए हैं मेरे पे कि बिल्कुल फ्यूचर लगता है कि यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ क्या करना है बट इवेंचुअली आपको लाइट नज़र आती है आप फिर से पॉजिटिविटी में आ जाते हैं उसका तरीका यही है कि आप काम पे फोकस करें आप लोगों की बातों पे फोकस ना करें मतलब आई थिंक आप जितने मैं जितने आप ग्रो करते हैं आपको उतनी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं मैं रोहे लहयात से मेरी मीटिंग हुई एक टाइम पे आई थिंक बैक इन 2010 और 2009 तो वो कहते हैं कि तब कोक स्टूडियो वॉज दी प्लेटफॉर्म एंड तब ये आरिफ लोहार का नया नया गाना आया हुआ था उनको भी उनके कोई फौजी कोई रिश्तेदार हैं कहते हैं मुझे आज भी वो कहता है कि यार बस कर दे अब सेटल हो जा अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो जा अपनी लाइफ में तो अपनी लाइफ में सीरियस को अगर कोई ये भी रोयल हयात यार मतलब वो तो वो कहते हैं यार ये कभी भी नहीं होगा कि लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि तुम जो हो गए बड़े सक्सेसफुल हो गए क्योंकि तुम म्यूज़िक से कमा रहे हो तो लोगों को लगता है कि यार तो शुक्र मेरा है तो हर कोई कर लेता है बट डोंट यू थिंक इट्स ऑल्सो ट्रू अगर हम रियलिटीज़ अपनी सोसाइटी में देखें तो एक्चुअली एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब स्पेशली
आपको एक तो फैमिली को तो चलें साइड पे रखें, सोसाइटी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती जब आप उनके लिए कोई अच्छा काम प्रेजेंट करें. हाँ. तो मतलब हाउ डू यू सी दिस कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक आर्टिस्ट जो है वो कितनी मेहनत करता है और कितनी मेहनत से उनको एंटरटेन करता है. बिल्कुल यार, पहले मैं आई थिंक मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो सोसाइटी से इतनी नहीं हुई, मुझे घर से ज़्यादा. आपका अपने जब आपको सपोर्ट करते हैं ना तब आपको दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में म्यूज़िक सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं और बड़े हमारी सोसाइटी म्यूज़िक को पसंद करती है और आपको सुनने को डिफरेंट चीज़ मिलती है. बट मैं जब देखता हूँ कि विंटर्स में हमारे फेस्टिवल्स होते हैं और मैं एज एन ऑडियंस भी खड़ा होकर कई दफ़ा सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार कॉन्सर्ट हो रहा है, इतनी ठंड है वहाँ पे, आप खड़े नहीं हो सक रहे, आपको खड़े होकर सुनना है, रश है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो लोग खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि अगला साउंड चेक करे और अगला म्यूजिशियन आए और बजाए और उसको खड़े होकर सुन रहे हैं. 10 बज गए हैं, फैमिलीज के साथ खड़े हुए हैं, तो उनको कितने एंथुसियाज्म तो मौजूद है. एग्जैक्टली. तो फिर हम ये क्यों कहते हैं, हम क्यों नहीं कर पाए, हमारी अभी भी क्यों सोसाइटी में, और स्पेशली हम अर्बन एरियाज को देखें जहाँ पे ऑब्वियसली म्यूजिशियन ज्यादा पैसे भी कमाते हैं, लेकिन जो लार्जर सेगमेंट है सोसाइटी का उसके अंदर अभी तक ये अवेयरनेस क्यों नहीं जा पा रहा. यार टाइम लगता है चीज़ों को. कल्चरल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं. पॉलिटिकल इश्यूज भी कह सकते हैं, बट आई थिंक स्पेसेस नहीं है और राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसेस नहीं है. मतलब हम कहीं किसी आर्ट्स काउंसिल में कर रहे होंगे या PNCA में, मुश्किल से हम जगह बनाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लोग डिग्रीज करके आ रहे हैं साउंड की, हमें अवेयरनेस आ रही है यार ये भी एक प्रॉपर इंजीनियरिंग है कि साउंड कैसी आनी है. इवेंट्स बीच में तो इवेंट्स हुए नहीं ना, मुशर्रफ के टाइम के बाद हमारे कॉन्सर्ट्स ख़त्म हो गए. उस टाइम बूमिंग थी मार्केट, नए नए इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी, इवेंट मैनेज करने वाली कंपनीज. अब जब आएंगी ऑब्वियसली वो बाहर से इन्फ्लुएंस लेके आएंगी, चीज़ें चेंज होंगी. साउंड हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से, इक्विपमेंट इम्प्रूव हुआ है, हमारे साउंड इंजीनियर्स इम्प्रूव हुए हैं. तो ऐसा ऐसा चीज़ें आई थिंक चीज़ें ठीक हो जाएंगी. और लेट्स कम बैक टू पिंडी बॉयज नाउ. मैं जानना चाहता हूँ व्हाट आर यू गाइस अप टू. आपकी कोई एल्बम आ रही है या कुछ आप बता सकते हो अपने काम के बारे में जो रिलीज करने वाले हैं आप? यार हमारी एल्बम हमने रेडी थी, हमारी पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स के बाद जब आए हम रिलीज करने वाले थे, पर देन हमने कहा यार एल्बम का दौर चला गया, सिंगल्स का दौर है, सो व्हाई नॉट टू रिलीज आवर एल्बम इन सिंगल्स एंड देन कंपाइल इट एंड यू नो फिर हम CD बना के हम लोगों को देंगे, तो एज अ माइल स्टोन हो जाएगा हमारे लिए. तो हम सिंगल्स में रिलीज़ कर रहे हैं, हम गानों को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं क्योंकि अब जब हम उनको सुनते हैं तो वो पुराने गाने हैं. अब हमें लगता है यार ये चीज़ें अगर हम इसको, तो हमें इम्प्रूवमेंट का भी टाइम मिल गया और फिर हम एक एक गाना करके हम रिलीज़ कर रहे हैं. तो बीच में हमारी स्ट्रैटेजी है कि लाइक इन 3 मंथ्स हम एक गाना रिलीज़ कर दें, उसके दौरान हम कवर्स जो हमारे फेवरेट गाने हैं 90s के 2000s के जो पसंदीदा गाने हैं उनके हम कवर्स करें और हम कंटेंट बना बना के गाने हम हमारे लिसनर्स को हम कंटेंट देते रहे. और पिंडी बॉयज के लिए व्हाट इज़ द मेन इन्फ्लुएंस इन द म्यूज़िक वर्ल्ड, किस कोई आर्टिस्ट ऐसा है जिसको आपका बैंड पर्टिकुलरली बहुत पसंद करता हो, या उसके अलावा कौन सा जॉनरा है जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने म्यूज़िक के अंदर? यार हम अपने जॉनरा को पिंडी ब्लूज़ कहते हैं. ठीक है, क्योंकि मेरी लिसनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. सही. और ईमान की लिसनिंग और फिर लिस्टिंग चेंज भी होती रहती है विद टाइम. ईमान के इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट चेंज होते रहते हैं, मोहसिन के डिफरेंट ही चीज़ें हैं, वो इंडियन बॉलीवुड में भी चला जाता है. अदील बिल्कुल रॉक और डेथ मेटल से अब इस मेलो होकर इस तरफ आया है. सारे डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस का मिक्स आपका मिक्स जो है, जो वो साउंड बनती है वो एक यूनिक साउंड है, उसको हम कहते हैं वो पिंडी ब्लूज. तो इज देयर एनी पर्टिकुलर आर्टिस्ट दैट यू रियली लाइक इन द म्यूजिक वर्ल्ड? वेस्टर्न आर्टिस्ट में से जॉन मेयर है. I really like him too. Eric Clapton is wonderful. Yeah. Both of them are wonderful. Yeah. Prince hai, James Roy, yeah. It's a long list. So has your influence been more towards the Western music or Pakistani music bhi aapke liye? I started playing guitar after Vital Signs. Right. Vital Signs has been my most favorite band. Junaid Jamshed ka bahut bada fan. Vital Signs ka bahut bada fan. So Vital Signs and then my other influences jo Western music hai. वो एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली पसंद है. बट ईमान जो है वो आजकल तो सिंथ वेव सुन रहा है, सिंथ वेव मैं भी सुन रहा हूँ. अदील जो है वो डिफरेंट जैज़ सुन रहा है, यू नो. तो हम चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन
इवॉल्व करते रहते हैं, चीज़ें हम सुनते रहते हैं. मैं 80s में चल रहा हूँ आजकल. आई थिंक हम सारे 80s में चल रहे हैं आजकल. हम सिर्फ 80s सुन रहे हैं. आपके सिंगल्स रिलीज होंगे, एल्बम के सिंगल्स हैं, दैट इज़ वेरी ब्लूजी, वेरी कंट्री सॉन्ग, राइट, जिसमें हारमोनिका है और ब्लूज हैं, स्लाई गिटार्स हैं. बट जो हमारे सिंगल्स हैं ना, वो 80s इन्फ्लुएंस आपको नज़र आएगा. अभी हमारा दो हमने निकाले कवर, जिसमें एक चीफ साहब का एक मेडले था, और अभी हमने रिसेंटली वाइल्ड साइंस का सॉन्ग निकाला है, कवर किया. बोथ ऑफ देम आर 80s 90s की फील्स हैं, वीडियो में भी और ऑडियो में भी. So what do you see the future of Pindi Boys? What do you think is going to be a path जो आप follow करना चाहेंगे और आप देख रहे हैं इस वक्त? I think plans तो बहुत बड़े हैं हमारे, बट ये है कि success जो है वो आपको ऊपर की ज़ात में देनी होती है. बट plans हमारे काफ़ी बड़े हैं. हम चाहते हैं कि हम जो हमारे fans इस पूरे दौरान में बने हैं, हमने कराची में परफॉर्म करना है, हमने लाहौर में हम एक दो दफ़ा कर चुके हैं, कराची में हमें करना है, और दुबई में, कनाडा में हमें फ़ोन लोगों ने किए हैं, फैंस ने, यूएसए में हमारे इतने जानने, हमारे पसंद करने वाले हैं. तो हम चाहते हैं कि हम एक टूर करें, यू नो. सो मे बी इन द कमिंग ईयर्स विल डू अ टूर, होपफुली. That's wonderful. And finally, in the end, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, any advice for an upcoming musician, a budding musician, जो कि इस वक्त figure out करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी lane क्या है, और societal pressures, जितनी भी चीज़ें हमने discuss की हैं, उन सब चीज़ों का सामना कर रहा है, what is your message for that person? Yeah, just block yourself out. Don't listen to anyone. Not even your parents. ठीक है, parents आपसे प्यार करते हैं, parents आपको सही guide करते हैं, but कहीं ना कहीं वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको रिस्क लेते हुए नहीं देख सकते. एंड दिस फील्ड, स्पेसिफिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री, म्यूज़िक की जो फील्ड है, दैट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. सो टेक रिस्क, एंड इवन इफ योर फ्रेंड्स कॉल यू फूलिश, इफ योर फ्रेंड्स कॉल यू स्टूपिड, जस्ट बी स्टूपिड, जंप इन. ठीक है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट फॉलो अदर्स फुटस्टेप्स. अगर कोई सूफी इन्फ्लुएंशियल है, या अगर ट्रेंड सूफी चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, डोंट फॉलो इट. लिसन टू योर ओन वॉइस, बी योरसेल्फ. ठीक है, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल मैसेज एंड अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वन, जो कि हमारी जो यंगर जनरेशन है स्पेशली, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरत है इस वक्त. जासिम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. आपको लोग अगर कहीं फॉलो करना चाहें पिंडी बॉयज के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे, तो वो कहाँ कर सकते हैं? हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, एंड यूट्यूब का चैनल है. एंड कैन यू ऑल्सो प्लीज से के सब्सक्राइब टू City2TV फॉर अस? सो यू कैन सब्सक्राइब टू City2TV. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. Okay.